गांव कल्चर से होते हुए दलतर वैली के मेरो का रोड बनी हुई है जिसका नाम टूरिज्म रोड है। यहां तक तामीर करके इससे आगे भी काम जारी है। उम्मीद है कि इस साल ये मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह अगले साल टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। ये रोड नेक्स्ट ईयर तक मुकम्मल भी हो जाएगी और हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको खोला जाएगा। लिहाजा मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस इलाके में विजिट करने के लिए। जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो यकीन कीजिए इस तरह की खूबसूरती कहीं और पे आपको नहीं मिलेगी। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो कुदरत के इन नेमतों का शुक्र अदा किए बगैर आप वापस नहीं चले जाएंगे। बादलों में छुपी हुई खूबसूरत क्रिस्टल झील रश लेक भी यहाँ से देखा जा सकता है और साथ साथ गोल्डन पीक जो कि इस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है, थोड़ी बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद वो भी आपको नज़र आएगी यहाँ से। और बर्फ़ और मीर के वाइट ग्लेशियर्स भी यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हैं। वैली से दिखने वाली ये खूबसूरत गांव एक ही जगह में तकरीबन कोई 200 से ज़ायद गिराने रिहाइश पजीर है। ये वादी होपर नगर की शेखामटिंग कहते हैं। ये इस गांव का नाम शेखामटिंग है और इसकी खूबसूरती इसकी एक साइड पे खूबसूरत ऊंचाई से गिरने वाली आबशार की है। शेखामटिंग के पीछे जो नज़र आने वाली जो खूबसूरत पानी का आबशार है, ये अपने नवियत का एक मुनफरद अंदाज से गिरती है और बोल्त ग्लेशियर में जाके मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ दलतर वैली के खूबसूरत मीरोज में भी छोटे छोटे गांव के लोगों के घर है जो कि गर्मियों के मौसम में यहाँ पर आके रिहाइश पजीर होते हैं ताकि इसी इलाके में ही ये लोग उनकी देखभाल कर सकें। होपर वैली जब भी आपको आना हुआ तो दलतर वैली ज़रूर विज़िट कीजिएगा।